ये है गया की सेंट्रल जेल। लोग इसे विकलांग फैक्ट्री भी कहते हैं, जिसका मालिक, मिस्त्री और कारीगर सिर्फ एक ही आदमी है, जेलर गौतम। आज तक का रिकॉर्ड है, इस जेल से कोई कैदी भाग नहीं पाया। जिसने भागने की कोशिश की वो जान गंवा बैठा या अपाहिज हो गया। घटा, खौफ की घटा, आज मैं इस जेल से भाग के जेल के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, और जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसको मैं फोड़ दूंगा। जेलर छोड़ दे, तुझको पता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ। आदमी चाहे किसी का भी हो, यहाँ रहना है तो मेरी रखेल बन के ही रहना पड़ेगा। पांडे जी, मैं अंग्रेज के जमाने का नहीं, आज के जमाने का जेलर हूँ। जो भागने की कोशिश करता है तो पहली बार उसका हाथ पैर तोड़ता, और अगर दोबारा भागने का कीड़ा उसके अंदर कुलबुलाया तो उस कीड़े को मारने के लिए ऐसी जगह गोली मारता हूं कि आदमी खाए बिना ना भागे बिना मर जाता है। कैसे मर जाता है पांडे जी? भागे बिना। हाँ हाँ बलवंत, एक बात बताओ, हमारी असलियत जानने वाले रिपोर्टर का क्या हुआ? इसकी जिंदगी की आखिरी रिपोर्ट लिख रहा हूं, बस एक झटका और सांस बंद। बापू के देश में हिंसा के केस में। सर, सर माफ कर दीजिए सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, सर अब ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, सर 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 माफ कर दीजिए सर, सर माफ। भैया, पता चला है वो गया जेल का जेलर भीमा को मार मार के उसका पैर तोड़ दिया है। भीमा को वैसे भी उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, उसके पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना काम करो और उस जेलर को अपना काम करने दो। अरे भाई, आलू कैसे दिए? 17 रुपए किलो। और ये प्याज क्या भाव दिया? 40 रुपया। तुझे बलवंत सिंह के खिलाफ गवाही देने से मना किया था ना, तो गवाही दूंगा बलवंत सेठ के खिलाफ। तेरा बलवंत सेठ कोई भगवान है क्या? Thank you.
तू? ए, देख क्या रहे हो? मारो इसको, मारो इसको! मार डालो इसको! ए? वर्दी का छाती पे गुंडा कर दी। सरकारी चूड़ी पहनाओ इस हीरो को। ये बहुत हाथ पैर चला रहा था, आज तेरी सारी गर्मी निकाल देंगे। ए, चुप। लगता है आज कुछ ऊपर की कमाई हो जाएगी। समझदार आदमी लगता है। इसे देख ले। सर, सर। अरे सर, अरे सर, माफ कर दो सर, हमको नहीं मालूम था सर। सर माफ कर दो सर, सर माफ कर दो सर, सर सर ले जाओ इसको। सर बेटे से गलती होती है तो बाप उसे माफ कर देता है। सर ये तो आपके भी बाप है। ले जाओ थाने। ए, चलो उठो, चलो उठो, चलो चल 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 चल, ले चलो इसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप नहीं आते तो ये लोग मुझे जान से मार डालते। आप मेरे लिए भगवान करो। हाँ भाई साहब, जब तक रहेगी विजय के शरीर पे वर्दी, हाँ तब तक नहीं चलेगी गुंडागर्दी। माँ लो, आ गया बेटा। तू बहुत अच्छा किया, मैं तो सोच रही थी कि तू प्रसाद खाने ही लौटेगा, पर आ गया, ठीक है। माँ इस इलाके के लिए मैं नया हूँ ना, अपने इलाके में चला गया था जांच पड़ताल के लिए, इसलिए लेट हो गया। तेरी जांच ना चूल्हा के आग जैसी होती है। अरे अब तो मैं थक गई हूँ, सोचना 2 साल में 5 बार तेरी बदली हो चुकी है। ठीक है माँ, अब नहीं होगी, अब गुस्सा थूक दो, चलो मंदिर चलो। बाबू दरवाजा बंद कर लेना। बेटी जी, माँ जी, तेरा स्वभाव और संस्कार देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया। रूप है एकदम लक्ष्मी जैसा और सूरत है सरस्वती माँ जैसी। धन्यवाद माँ जी, लेकिन इतनी तारीफ आप मेरी मत कीजिए, नहीं तो ये फूल के फुग्गा हो जाएगी। तू अपनी पुलिस या भाषा नहीं छोड़ेगा हा? माँ अगर मैं बदल जाऊंगा तो फिर इन गुंडों को कौन बदलेगा? एक बात कहूं, वाकई तुम्हारी आवाज में बहुत जादू है। आपकी आवाज में मुझसे भी ज्यादा जादूगरी है। तुम में कुछ खास बात जरूर है, इसलिए तुम हटके हो। देखो बेटी, तुम विजय के बात का बुरा मत मानना, पुलिस में है ना, इसलिए थोड़ा सा बड़बोला हो गया है। मेरे भी बाबूजी पुलिस में हवलदार है माँ जी। नाम? श्री रामलाल।
और तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी पायल। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ माँ जी। ठीक है बेटी। लड़की अच्छी है, बोल ना रे, पसंद है क्या? हाँ कंट्रोल कीजिए सर, इस गधे के पर बिच्छू बैठ गया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तिलक। ताकत का गलत जगह उपयोग मत करो, नहीं तो सारे पाइप का पानी सूख जाएगा। अबे ओ खजूर, अपना ये मुंह बंद रख और चुपचाप ताला खोल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं तेरे शरीर के अंदर बहने वाले हर नाले को जाम कर दो। अब नाला जाम कर दो चाहे नहर भरवा दो, बाहर तो नहीं निकल पाओगे। मैं बहुत मजबूर हूँ। ए इंस्पेक्टर, बलवंत भैया को फोन लगाओ। और सब बढ़िया है? ए भैया, इस इंस्पेक्टर ने मुझको यहाँ बंद कर दिया है, जल्दी से आओ। उसका नाम विजय है भैया, जल्दी से आओ और मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ से निकालो भैया। अरे इंस्पेक्टर विजय कौन सी खेत की मूली है रे? नया नया अभी इस इलाके में आया है वो, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जड़ से लेके मूली तक कल सब पता लगा लूंगा। ए! कल की नाल मेरे सर पे मत ठोक, आज के आज, अभी के अभी इस टेंशन का गला दबा। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए अपना, कूल रहिए कूल। अभी एसपी को मैं फोन लगाता हूँ, कल तक उसकी जमानत करवा दूंगा। सर खर्चे पानी का इंतजाम हो गया। सर ये है तिलक के जमानत के कागजात। पांडे। यस सर। तिलक को ले आओ। जी। चलो जमानत हो गई तुम्हारी। ले आया सर। ए इंस्पेक्टर टेंशन मत ले, शाम को आ जाना, तेरा रिचार्ज हो जाएगा। बलवंत सेठ पे मुझे इतना भरोसा है, जाइए। मुझे भी रिचार्ज में से कुछ दे देना सर। तू नहीं सुधरेगा, मेरे भी बाल बच्चे हैं ना सर। सर जय हिंद सर। पांडे। जी सर। वो बेईमानी वाला मुर्गा कहाँ है? उड़ गया सर। व्हाट? हम लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है सर, बस हरी सर की इतनी ही गलती है कि 50,000 के रिचार्ज के लालच में बलवंत सेठ को फोन करके तिलक की दास्ताने मोहब्बत सुना दी। फिर क्या, बलवंत सिंह के वकील नागेंद्र सिंह आए और जमानत की चुपड़ी रोटी सर के मुंह में ठूस के और तिलक को लेके फर्र हो गए। वाह हरी सिंह वाह, ऐसे ही वर्दी पहन के गुंडों का जूता पोंछते रहे, तरक्की मिलेगी, बहुत आगे तक जाएगा। सर ये झूठ बोल रहा है। शट अप, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। क्या रे मैना, चलो लड़ाया जाए। मैना बहन से नैन मटक्का नहीं किया जाता, राखी बंधवाई जाती है। ओहो, तो मैं कौन सा तुम्हारा भाई हूँ? मैं भी तो तुम्हारा दीवाना हूँ, आशिक हूँ। तो मंदिर से आ रही हो भगवान की पूजा करके? अब देखो
अभी तो साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, थोड़ा हमें भी पूछ दो ना। नहीं पूछोगी? चलो मैं ही शुरुआत कर देता हूँ। मारो इसको। हे इंस्पेक्टर, पागल हो गया है क्या? बलवंत सिंह का बेटा हूं, 2 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, 2 मिनट में। ए, ये वर्दी सरकारी है, ये तेरी नहीं है जो तेरा बाप उतार देगा। ये तू नहीं, तेरी वर्दी की गर्मी बोल रही है। तो चल ये वर्दी खोल देता हूं। इंस्पेक्टर, अगर दोबारा ऐसी गलती किया ना तो अभी सिर्फ ऊपर का कपड़ा उतारा हूं, और अपने बाप से जाके कहना कि तेरा और तेरे बाप का अगर जरा भी फॉल्ट नजर आया ना, कपड़ा भी उतार दूंगा। थैंक यू। अरे तुम हवलदार रामलाल की बेटी हो ना? हाँ हाँ। अच्छा देखो, मैं इस बार तुम्हें बचाने आ गया, अगर दोबारा ऐसा हो तो तुम मेरा नंबर ले लो। हाँ बोलिए। 9955700446। थैंक यू वेरी मच। ओके। पहले उस रावण का नाम बता, फिर मैं फैसला करूंगा कि उसको मारना है कि फाड़ना है। इंस्पेक्टर गोविंदा। सरकार, वो इंस्पेक्टर भविष्य में तूफान बन के तबाही मचाए, उससे पहले ही उसकी व्यवस्था कर दीजिए हुजूर। नेता हसमत, ठंडा कर, ठंडा तेल लगा के माथे को ठंडा कर, और उस विजय पर सरकारी गाज गिरा। कल से उसकी परछाएं भी इस इलाके में नहीं दिखनी चाहिए। आज के आज ट्रांसफर कर उसका। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी जाने मन। शट अप, अपना नाम बताओ। जब से तुमको देखा है ना, मैं अपना नाम भूल गई हूँ। देख, पुलिस वाला हूँ मैं, ज्यादा बदतमीजी करेगी तो अंदर डाल दूंगा। मैं यही तो चाहती हूँ इंस्पेक्टर जी, आप मुझे अपने दिल में कैद कर लीजिए। अरे पागल, रख फोन। तुम ही मेरा पागलपन दूर कर सकते हो, एक बार आई लव यू बोल दो। देख, मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना नहीं गिरा है कि किसी बिल्ली जैसी को मैं आई लव यू बोल दूं, समझी? रख। सुना राजा जी, अब ये बिल्ली तुम्हारे दिल में प्यार की किल्ली ठोकेगी। सर, ये सरकारी लेटर आया है।
मेरे ट्रांसफर का लव लेटर चौबे। हाँ सर। मेरी वर्दी से मोहब्बत, इन हरजाइयों की औलादों को रास नहीं आई। इनकी बेवफाई से मेरा कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अब दिखाऊंगा पुलिस वाले का दिमाग। कैसी तबीयत है बलवंत जी? तकलीफ तो खैर बहुत दिया रे तू, लेकिन इसका दर्द तो तुझे होगा इंस्पेक्टर। ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दिया हूं तेरा कि जीवन बीत जाएगा मिट्टी फाकते फाकते। मिट्टी में ही पैदा हुआ, मिट्टी में ही खेल कूद के बड़ा हुआ। मैं तो मिट्टी को खीर पूरी समझ के खा लूंगा, लेकिन तुम सावधान रहना, तुमको कहीं गोबर ना खाना पड़े। ए इंस्पेक्टर, चुप, नहीं तो मुंह से डालूंगा और कहां से निकालूंगा पता भी नहीं चलेगा। फटे तो फटे लेकिन पावर ना घटे। क्यों रे, तेरी वर्दी को सर्दी लग गई तब भी आग मुंह उतरा है? गलत फहमी में हो तुम, मैं आग नहीं तेजाब मूतता हूँ। तेजाब जिसके ऊपर पड़ जाता है ना, उसकी जिंदगी बदरंग हो जाती है, समझा? और उसका असर तुझे अभी पता चलेगा। ये मेरा तोहफा देख के, ये लो बलवंत, अपने भाई का कारनामा देखो, देखो। कर दिया ना तगड़ा असर। हाँ? ये खाली फोटो है, इस फिल्म का पूरा नेगेटिव मेरे पास है। तुझे 24 घंटे में नहीं 4 घंटे में डिसाइड करना है। सोच ले, मैं इस इलाके में रहूंगा कि ये फोटो इलाके में जाएगी। और हां बलवंत, जब बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है तो सांप के बिल में हाथ क्यों डालते हो? हैं? मेरे जहर के कहर से कोई नहीं बच पाएगा। हुजूर, गुस्सा थूक दीजिए हुजूर। अब बजरंगी ब्रांड लॉलीपॉप बनाने वाली कंपनी को बंद करने का उपाय जल्दी कीजिए हुजूर। हेलो, अब क्या हो गया? विजय का ट्रांसफर रुकवा दो। क्यों? जितना बोलता हूं उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अच्छा ठीक है रुकवा दूंगा। हाँ अरे आ गई। अरे हाँ, आज बड़ा मूड बना के आई हूँ। अरे तुम कोई बूटी खाती हो क्या? जब देखो तब रफ्तार में रहती हो। अरे रफ्तार में क्यों नहीं रहूं? जब मेरे पति देव हाई वोल्टेज के बल्ब हैं, तो मैं किसी से कम हूँ क्या? अरे सोना, ये घर नहीं है, जेल है। कंट्रोल कंट्रोल। तुम्हारा जेल गया तेल लेने। अरे समझने की कोशिश करो, बहुत इमरजेंसी है। समझ गया, हैंड पाइप फिर गड़बड़ा गया। अरे हैंड पाइप नहीं, तुम्हारा इरादा गड़बड़ा गया है। कल शाम को कोई वादा किए थे, कुछ याद है कि नहीं? ओह, राधा कृष्ण गार्डन। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, ध्यान से उतर गया। वही चढ़ाने के लिए मैं यहाँ आई थी, पर मुझे तो लगता है कि आपको मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई।
ए जान, ऐसी बात नहीं है, तुमको देखकर तो मुझे जान मिल गई। सच्ची? प्रणाम अम्मा जी। हाँ, क्या बोला तुमने अभी? माँ? ना ना, अम्मा जी। अम्मा जी? अम्मा जी किसे कहते हैं जानती हो? जी, सासू माँ को। इसका मतलब तू मेरे बेटे से ब्याह करने के लिए तैयार हो गई है ना? मेरे तैयार होने से क्या होगा, आपका बेटा तैयार हो तब ना। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो अम्मा जी ही बताएंगी, पूछिए। तब तक मैं चाय बना के ले आती हूँ। ना ना, रुक बेटा, मैं जाती हूँ। ना ना, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। बहुत चिपकू है ये। क्या माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अनजान आदमी को घर पर नहीं बिठाया जाता और परिचय नहीं दिया जाता, लेकिन तुम मानने वाली नहीं हो। देख बेटा, ये पुलिस वालों की भाषा ना तो मेरे से मत बोला कर। तू जानता है ना कि पायल हवलदार रामलाल की बेटी है, जानता है ना? और मैं ये जानती हूँ कि वो बेटी तुझे बहुत पसंद है, हाँ कि ना? मतलब ये कि पायल तो तैयार है, अब तू हाँ कह दे तो फिर मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। हेलो, तुम्हारी बिल्ली बोल रही हूँ राजा जी। यू इडियट, आखिर तू चाहती क्या है? तुम्हारी पत्नी बनना। देखो, जरा अपना आईने में मुंह देख लो, समझी? हाय, जब देखने जाती हूँ तुम्हारी ही सूरत दिखने लगती है। बोलो ना, मेरे पति बनोगे क्या? देखो, मेरी शादी पक्की हो चुकी है। ओ, किसके साथ? जो लड़की तुम्हारे घर गई है उसके साथ? हाँ, उसी से। ओके, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इस मुसीबत से पीछा तो छूटा। क्यों भाई? ये चाय बना रही हो या गप्पबाजी कर रही हो? हैं? किससे बात कर रही थी? मैं अपनी सहेली से। देखूं तो तुम्हारी सहेली का नंबर? बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा, आज तेरे सब पर्सनल नंबर देखता हूँ। सब सब इधर लाओ, लाओ इनको। तो जी, अच्छा, तो मुझको डिस्टर्ब करने वाली बिल्ली तुम ही हो? हाँ मेरे राजा जी, अब कर लो रासलीला जी। अरे छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये किस सहेली से तुम मुझसे मिलाने लाई हो? यही सहेली ही तो है मेरी, अब मिलो इससे। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं अभी फोन लगाती हूँ। लगा, जिसको भी फोन लगाना है लगा। हेलो इंस्पेक्टर विजय, मुझे नागेश के चंगुल से बचा लो। मैं नागेश के चंगुल में फंस गई हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। विजय बचा लो मुझे नागेश के चंगुल से। नागेश के चंगुल से बचेगी? अब तू चिल्ला, मेरे चाचा को फंसाई है ना? नहीं प्लीज। मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ूंगी नहीं, मैं सारे प्रेस वालों को बताकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। अच्छा, प्रेस में छपवाएगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वाएगी? बहुत शौक है ना तुझे रेप करके मर्डर करने का?
अब चल तुझे सिखाता हूँ नहीं कैसे किया जाता है। हे कह रहे मेरा बेटा, बेटे से बाद में मिल लेना, पहले यहां थाने के बाप से तो मिल लो। तेरे जैसे कितने बाप लोगों को अपने जूते के नीचे कुचल चुका हूं मैं। मैं कुचलवाने वाला नहीं, चमड़ी उधेड़ने वाला बाप हूं। ए, ज्यादा जुबान मत चला, चुपचाप मेरे बेटे को बाहर निकाल। बलवंत सिंह, अगर रात की दारू का नशा नहीं उतरा हो ना तो जाके उतार लो, नहीं तो मैं तुम्हारा नशा उतार दूंगा। समझ में आ जाएगा कि यहां से नागेश नहीं उसकी जान बाहर जाएगी। एक रोआ भी तू मेरे बेटे का टेढ़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ एक वादा है तेरे से, तेरी आंख के सामने से मैं अपने बेटे को यहां से निकाल के ले जाऊंगा। दिन में सपना मत देखो, तुम्हारा बेटा कोई मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाया है, एक मासूम लड़की का बलात्कार और हत्या किया है। ये तेरा बेटा तो डायरेक्ट फांसी पर लटकेगा। अपने बेटे को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? बहुत जल्दी तेरी इस वर्दी की गर्मी उतार दूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि एक बार कोशिश की तुमने, ऐसा छुआया कि छींक अटक गई। दोबारा कोशिश करोगे ना तो ऐसी जगह ठूसूंगा कि सांस बंद हो जाएगी। वॉल्यूम कम कर, आवाज नीचे, नहीं तो अगर मेरे अंदर का शैतान जाग गया ना तो यहीं तेरी चिता में आग लग जाएगी। चल निकल निकल। पिताजी, ऑर्डर ऑर्डर, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात से यह पता चलता है कि मुलजिम नागेश सिंह ने बड़ी ही बेरहमी से कुमारी अंजलि श्रीवास्तव की रेप करने के बाद हत्या कर दी, लिहाजा ये अदालत नागेश सिंह को मुजरिम करार देते हुए दफा 275 और 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। इंस्पेक्टर, जो मर गया वो तो गया, पर जो बच गया समझो सड़ गया। तुझे ऐसा सड़ा सड़ा के मारूंगा ना कि तेरी बदबू सूंघ के गली के कुत्ते भी सरकारी वर्दी पहनने की जरूरत नहीं करेंगे। अबे पिल्ले, मैं सड़ने वाला नहीं, मुजरिम की छाती पे बैठ के कानून का चलता कोयला रखने वाला जवान हूं। तेरे एक गुर्दे पर तो मुर्दे का लेबल चिपका दिया, उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आया। तेरा दूसरा गुर्दा बचा है, सुधर जा, नहीं तो जानता है क्या होगा, वरना मरने से पहले गंगा जल नहीं पेशाब पीना पड़ेगा। पेशाब पिताजी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना रे, ए, मैं निकालूंगा तुझे, मैं हूं ना, मैं निकालूंगा, मैं हूं ना, तू जा 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 पिताजी, बहादुर बेटा है तू, मैं हूं ना। नमस्कार जेलर साहब। तेरे नमस्कार का चमत्कार मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। बलवंत सिंह, काम की बात बोलो। मेरा नाम आपकी जुबान पे चढ़ा, इससे बढ़कर चमत्कार और क्या होगा। वो क्या है ना
कि शेर को ऊंट बिल्ली कुत्ता सियार सब पे नजर रखनी पड़ती है। काम की बात बोलो। मेरा बेटा तुम्हारी जेल में बंद है और उसको जेल से भगाना चाहते हो। अरे वाह, बहुत समझदार हो तुम तो। और बहुत टेढ़ा भी हूं मैं। सीधे होने की कीमत बताओ, देने के लिए तैयार हूं मैं। ए! मुझे तो तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। दोबारा अगर मेरे सामने दौलत का घमंड दिखाया तो तेरी जिंदगी झंड बना दूंगा, याद रखना। चल चल चल, बाद में करता हूं। कौन है रही है? अरे सरकार, ये 10 साल की एक लड़की के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था। सर, क्या रे? सॉरी सर, नहीं सर। चुम्मा लेने का बहुत शौक है, नहीं बहुत सर, शौक है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 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 छोड़ दीजिए सर। जवानी फट रही है तेरी, हैं? सर, मसराम का चेला है तू? नहीं सर, चुम्मा लेगा, चुम्मा लेगा, चुम्मा लेगा। बंद कर इसको। सर छोड़ दीजिए सर। चल। देखो बलवंत, मैं जो हूं ना, खुल के आपके लड़के के केस में नहीं आ सकता, क्योंकि आपके लड़के का जो केस है ना, वो जग जाहिर है, जग जाहिर है। और आप जानते हैं, अगर मैं खुल के आ गया ना, तो ये मीडिया वाले है ना, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और जब मेरे पीछे लग जाएंगे ना, तो मेरा बैंड बन जाएगा बैंड। और अगर जब मेरा बैंड बन जाएगा ना, तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। और कुर्सी गई तो कानून का जो फंदा है ना, वो आपके गले में ना मौत का फंदा बन के पड़ेगा। मर गया वर्मा। उसे आपने जान से मार डाला सर। चुप। क्या देखा? तो कुछ नहीं देखा, पसीना पोंछ। इसको किसने मारा है? इंस्पेक्टर गोविंदा ने। और यही बात तुझे कोर्ट में कहनी है, समझा? लेकिन ये तो झूठ है सर। झूठ सच का फैसला तू करेगा या अदालत करेगी? बलवंत सिंह को जानता है ना? हाँ। कितना खतरनाक आदमी है। और तेरे घर में एक जवान बेटी भी है, उसका ख्याल रखना। और जितना कहा गया है उतना ही कोर्ट में गवाही देना। कौन मारा है? इंस्पेक्टर गोविंदा। जानता है बेटा, वो रामलाल की बेटी है ना, वो बहुत ही अच्छी है। इंस्पेक्टर विजय। अरे कमिश्नर साहब, आप अगर कहा होता तो मैं चला आता। कोई काम है क्या? बकरा तभी कसाई के पास जाता है जब उसे उठा कर ले जाया जाता है। मतलब? श्रीमान, कल रात को जिस कैदी को आपने मारा था उसकी मौत हो गई श्रीमान। व्हाट? लेकिन कमिश्नर साहब, उसको मैंने उतना नहीं मारा था जिससे उसकी मौत हो जाए। इंस्पेक्टर गोविंदा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। अरे ना 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 ना, ना ना कमिश्नर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। माँ, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चलो कम ऑन। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ा ये शख्स मिस्टर गोविंदा एक पुलिस ऑफिसर है। मिस्टर गोविंदा ने अपनी पावर और पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर मिस्टर वर्मा की कूट कूट कर हत्या कर दी। मिलॉर्ड, ये आदमी शक्ल से जितना भोला दिखता है वास्तव में उतना है नहीं। मिलॉर्ड, मैं अदालत में कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, जिनकी गवाही ये साबित कर देगी कि मिस्टर गोविंदा ने ही श्री नंदू की हत्या की है। इजाजत है। मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह हैं हवलदार रामलाल जी। हाँ तो रामलाल जी, वारदात के दिन आपने क्या देखा अदालत को बताइए। जज साहब, इंस्पेक्टर गोविंदा ने नंदू को बड़ी बेरहमी से पीटा और उनके जाने के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा उसे पानी पिलाने के लिए, तो देखा वो मरा हुआ पड़ा था। ठीक है रामलाल जी, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मेरे दूसरे गवाह हैं सब इंस्पेक्टर हरि सिंह जी। मिस्टर हरि सिंह, उस दिन क्या हुआ आप माननीय अदालत को बताएं। मैंने देखा कि गोविंदा सर ने नंदू को पीट पीट कर जान से मार डाला।
अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात से ये पता नहीं चल सका कि नंदू वर्मा की हत्या कैसे हुई, लिहाजा ये अदालत उसकी मौत के जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाने का आदेश देती है। जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती इंस्पेक्टर गोविंदा को, तब तक हिरासत में रखने का और सस्पेंड करने का आदेश देती है। अदालत तब तक के लिए मुलतवी की जाती है। साबित करना है तो यहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुझे पता था तेरे खून की खुजली बात से नहीं लात से मिटेगी। यह खुजली नहीं जुनून है, और यह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जाके उस कुत्ते का खून कर दे जो कानून की थाली में अपराधी की बोटी खाके और हड्डी तेरे ऊपर फेंक दिया। बहुत बकवास है तेरे जुनून की कहानी। अब चुपचाप जाके बैरक में बैठ जा तो नहीं तो मौत के मुंह में समा जाएगा। मैं तेरी इस धमकी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं मौत को जूते से मारता हूं। और जेलर साहब, इस जेल में मच्छर बहुत है सर, एक काम करो तुम मच्छर मारो। तेरी औकात मेरे लिए एक मच्छर से ज्यादा नहीं। तो कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया थी। अच्छी थी ना? हाँ। फिल्म तो अच्छी थी पर उससे भी अच्छी ना मुझे रेस्टोरेंट का खाना लगा। ठीक तो खाना कल से रेस्टोरेंट का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। अरे तो नाराज क्यों हो रही हो? ए सोना देखो छोड़ो, जानती हो अब तुम्हारे हाथ के खाने जैसा तो मुझे दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। खा लिए ना, अब जाके सो जाइए। सो जाऊं? और मिठाई नहीं खाना है क्या? ना मुझे कोई मिठाई विठाई नहीं खानी है। ना 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 हा? बिना मिठाई खाए नहीं सोना चाहिए, नहीं तो रजाई में चूहा दौड़ने लगेगा। देखो चलो खिलाओ मिठाई। देखो चलो, देखो, चलो, देखो, चलो, चलो, चलो 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 चलो
इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बात करने लगता है, बल्कि वो समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बात समझने लगता है। दीदी चीजू कब आएंगे? क्यों, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? दीदी चीजू आ गए हैं। पूजा, अमन, ठंठन। ए चीजू आ गए, पूजा आ गए। चलो ले लो, ले लो, ले लो। सब लोग चलो, बात लो सब लोग चलो। चलो 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 चलो। देखो उठा, चलो। मुझे तो मिल गया। सॉरी, आने में देरी हुई। मैं सोची कि आज का दिन भी आप भूल गए। ऐसे कैसे भूल जाता? आज के दिन इसी जगह पे मुझको मेरी जिंदगी और मेरी जान मिली थी। उस मुलाकात से तो मेरे हाथ की लकीर बदल गई, वरना मेरी ऐसी तकदीर कहाँ थी कि आपके जैसे देवता की मैं दुल्हन बनती। मैं तो अनाथ था, इस अनाथ आश्रम के बच्चों की तरह। तुमने मेरा हाथ थाम के मेरी जिंदगी संवारी। सुना, लाचार पे उपकार करने की और बेसहारा का सहारा बनने की तुम्हारी दीवानगी ने मुझे दीवाना बना दिया। ओके मिस्टर दीवाना, मैं आपसे एक चीज मांगूं? जो चाहे मांग लो, हर चीज कुर्बान है मेरी। हाँ। बस एक जान मत मांगना, क्योंकि तुम ही तो जान हो मेरी। क्या जेलर? जो गोली हवा में धुआं उड़ा सकती है, वही गोली तेरी और तेरी पत्नी की चिता का भी धुआं उड़ा सकती है। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। बलवंत सिंह, तेरी चाहत को मैं घबराहट में बदल दूंगा। फटे तो फटे, लेकिन पावर ना घटे। बलवंत, छिपकर डरपोक की तरह वार क्या करता है? अगर तेरी ताकत है तो तेरे सामने खड़ा हूं, वार करके देख, तेरी औकात यही बता दूंगा। फटे तो फटे, लेकिन पावर ना घटे। बारूद के ढेर पर खड़ा है, पर अभी भी आग ही मूत रहा है। मुंह बंद कर ले, नहीं तो कहीं छटक कर तेरे मुंह में चला गया ना तो जल के राख हो जाएगा। देख जेलर, बिना अपने फायदे के किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, और तुझे मारने में मेरा कोई फायदा नहीं। हाँ, तेरा फायदा ही फायदा है मुझसे दोस्ती करने में। दोस्ती कर ले, बेटा चाहिए मुझे अपना। सरकार, नोट से भरे बैग की हरे हरे नोट की हरियाली इनको दिखाइए ना। देख, जीवन भर सरकारी नौकरी करेगा तब भी इतना पैसा नहीं देख पाएगा। हैं? ये पैसा ले ले और चल, मुझे मेरा बेटा दे दे। इस पैसे से कफन और लकड़ी खरीद के रख, बहुत जल्द तेरे बेटे की लाश भेजने वाला हूं। अंतिम संस्कार में काम आएगा। अब क्या होगा सरकार? बापू के इस देश में भांति भांति के लोग, कुछ बहुत ईमानदार हैं तो कुछ बहुत ही चोर। ओ नेताजी, ये कहावत बोल के बगावत के शोले को और मत भड़काइए। तिलक भैया एकदम सही बोल रहे हैं। शांत रहिए आप लोग, एकदम शांत रहिए। आप लोगों की यही दिमाग की गर्मी जो है ना, कानून के फंदे में फंसा देगी। ए नेता, कमजोरी मत बता, उपाय बता उपाय। इसका एक ही उपाय है कि उसको जेल से भगा के नेपाल भेज दिया जाए। नेताजी, आपको मालूम है उस जेल का जेलर कौन है? अरे बाप रे,
आज तक ना उस जेल का रिकॉर्ड है कि उस जेल से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। मैं कैसे उसको निकालूंगा ये मैं जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं निकालूंगा उससे। आइए सर। और भाई नमस्ते। कैसे हो? नमस्ते। हाँ। नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते नेताजी। जय हिंद। देशद्रोही और जय हिंद का नारा क्या नेताजी? लगता है कि इस देश को बर्बाद करने का प्रोग्राम बदल दिए हैं क्या? हाँ? जेलर साहब, ये आदमी कौन है? जान के अनजान मत बनो, तुम्हारे कुकर्म की कुंडली मुझे पता चल गई है। तुम्हारे दलाल बलवंत सिंह ने मुझे फंसा दिया, वरना अभी तक तो साबित कर दिया होता कि आतंकवाद और नक्सलवाद की असल जड़ तुम हो। ए, चुप बैठ। चलिए सर, ये पागल है। अरे पागल है तो पागल खाने में भेजो ना इसे। जी जी, आई आई। नेताजी, नेताजी मुझे बचा लीजिए, नेताजी, नेताजी मुझे बचा लीजिए, नेताजी मुझे बचा लीजिए, नेताजी, नेताजी, नेताजी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, नेताजी मुझे बचा लीजिए, नेताजी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, नेताजी, नेताजी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। गलती नहीं, गलती नहीं। हथियार नीचे कर, नहीं तो 7 दिन जीने वाला है, 7 सेकंड में सुला दूंगा। चुप जेलर, इससे पहले तेरी छाती छलनी कर दूंगा। अरे अरे जेलर, मार दिया से? तूने मार दिया से? अरे सर, इसकी चिंता छोड़िए, वो तो फांसी से वैसे ही मरने वाला था। उसको नहीं मारता तो वो आपको मार देता, उसका क्या है? आपकी जान ज्यादा कीमती है सर, आप देश के भविष्य हैं। वो तो मैं हूं ही। आइए। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं, मुझे जाने दीजिए यहां से बस। अरे आइए ना बस। मुझे पता था कि यही होने वाला है। जेलर, तूने मेरे बेटे को गोली मारा है ना, अब मैं तेरी बीवी को गोली मारूंगा। बचा सकता है तो बचा ले आकर के अपनी बीवी को। हेलो, सोना। हेलो। हाँ सैया जी, बोलिए। सोना, मैं जब तक घर ना हूँ दरवाजा मत खोलना। अरे अरे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा जोर से बोलिए, दरवाजे की घंटी डिस्टर्ब कर रही है। सोना मेरी बात सुनो, जब तक मैं घर ना पहुँचूँ दरवाजा मत खोलना। क्या? अरे जरा जोर से बोलिए। ओफो, सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन बेल बजा रहा है। अरे सोना मेरी बात सुनो, दरवाजा मत खोलना जब तक मैं घर ना पहुँचूँ। अरे सुनिए, 2 मिनट होल्ड करना, मैं जरा दरवाजा खोल के आती हूँ। अरे हाँ गोपी, गाड़ी भगाओ, जल्दी चलो। दरवाजा तोड़ने का मन है क्या? हाँ, अरे आ रही हूँ। तू? फटे तो फटे, लेकिन पावर ना घटे। चल अच्छा। छोड़ मुझे। बहुत झटपटा रही है भैया जी। करो इसकी सेवा। झटपटा रही है, हाँ बहुत झटपटा रही है। हाँ भैया जी। बचाओ!
सोना, 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 मुझे माफ कर देना, मैं आपका साथ छोड़ के जा रही हूँ। नहीं सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुनो जी, काश ऐसा हो सकता, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है। तुम्हारे पास तो मरने के बाद भी रहते हैं ना, हमें साथ रहने दो भगवान, हमें साथ रहने दो भगवान। सुना सुना, चलो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना सुनो, देखो देखो भगवान मुझे बुला रहे हैं। ना सुना, ना सुनो, सुनो उन शैतानों को मत छोड़ना। ना सुना, जो 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 मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सुना, जो मुझे तुमसे जुदा जुदा। ना सुना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुना, तुम्हें कुछ नहीं होगा जुदा। सुना सुना सुना, गौतम सिंह, तुम्हें तुम्हारी बीवी की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तमाम गवाहों और सबूतों से यह सुनिश्चित हो चुका है कि सुनीता देवी का नाजायज संबंध होने के कारण बड़ी बेरहमी से गौतम सिंह ने उनकी हत्या कर दी। लिहाजा यह अदालत गौतम सिंह को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। आ गया जेलर बिरादर बनके। आइए आइए, चमत्कार, इज्जत का बलात्कार। लेकिन कुछ भी कहिए जेलर साहब, उस वर्दी से बहुत बढ़िया ये आप पर सूट कर रही है, वो अच्छी नहीं लग रही थी, ये बहुत झकास लग रही है। हंस लो, समय ही हंसाता है और समय ही रुलाता है। बिल्कुल सही जवाब, कीमत आदमी की नहीं समय की होती है। अब समझ में आपको आ गया होगा हाँ, कि जेल में रहने वाला हर कैदी मुजरिम नहीं होता। भीमा, आज रात में ही किसी तरह से गौतम सिंह को खत्म कर दो। ध्यान रहे, ये पत्र किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। बलवंत। ए, आना, सुनना, ए, सुनना, थोड़ी देर के लिए खोलना, एक बार खोल दे, और ये ले, और भी दूंगा, जल्दी खोलना। जल्दी खोलना, हाँ हाँ खोल कर, ताला चाबी दे, हाँ काम हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। हाँ धीरे धीरे आओ तुम लोग। Hey!
इसको, जान से मार डालो, छोड़ना मत। छोड़ो। मेरे शिकार को कोई और दूसरा शिकार करे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी जान मैंने इसलिए बचाई क्योंकि तुम्हें तो मैं ही मारूंगा। जान बचाया है तो उसके बदले तुझे एक सलाह देता हूं मैं कि कभी मुझसे उलझना मत, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये तो वक्त बताएगा। ए गौतम, अब तुम जेलर नहीं, एक कैदी हो, कैदी। और गोविंदा, तुम इस भ्रम में मत रहो कि पुलिस इंस्पेक्टर हो तुम, समझे? यहाँ अब और कोई बवाल नहीं होना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। जाओ जाओ, अपने अपने बैरक में जाओ, जाओ। और रामलाल जी, पायल का क्या हालचाल है? मतलब विजय सर के लिए पायल के ऊपर लवेरिया का दौरा नहीं पड़ता है क्या? देखो, जुबान संभाल कर बात करो। साँच को आँच कैसी भाई, जुबान संभाल के तो तुम्हें उस दिन कोर्ट में बोलना चाहिए था। बिल्कुल शर्म नहीं आई ना आपको इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही देने में? बकवास बंद करो। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की सलामती और खुशी के लिए किया है। कैसी खुशी और काहे की खुशी बाबूजी? मेरी आंखों में देखिए और बताइए, मैं खुश हूँ कि झूठी गवाही देके आप खुश हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी बाबूजी जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे दिए? अगर आपको विजय पसंद नहीं था तो मुझसे कह देते, भुला देती मैं उसको, लेकिन आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बाबूजी। कोर्ट चल के जज साहब को सब सच सच बता दो, नहीं तो कन्यादान करने का हक मैं आपसे छीन लूंगी। ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो, तुमसे ही तो मेरी यह जिंदगी और जहान है। हरि सिंह ने मुझे यह कहकर डरा दिया था कि राजधारी और बलवंत सिंह तुझे जान से मार डालेंगे, इसीलिए मैंने कोर्ट में झूठ बोला था। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं चलकर सब सच सच कह दूंगा। कल कोर्ट चलेंगे। ये सब क्या है कमिश्नर? आई एम सॉरी जज साहब, पर थोड़ी इमरजेंसी की बात है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जज साहब, ये मेरे बाबूजी हवलदार रामलाल जी आपको कुछ बयान देना चाहते हैं। हाँ जरूर, दीजिए बयान। जज साहब,
इंस्पेक्टर गोविंदा निर्दोष है। मैंने सब इंस्पेक्टर हरि सिंह की धमकी के डर से झूठी गवाही दी थी। बलवंत सिंह हरि सिंह को मोटी रकम देकर गोविंदा को फंसाने के लिए पुलिस लॉकअप में नंदू वर्मा का मर्डर करवा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जेलर गौतम भी निर्दोष हैं। उनकी पत्नी की हत्या बलवंत सिंह ने की थी और हरि सिंह की मदद से गौतम को कातिल साबित कर दिया था साहब। एमएलए राजधारी सिंह और बलवंत सिंह में बहुत सांठगांठ है साहब, और दोनों के संबंध आईएसआई संगठन से है। दोनों देश के गद्दार हैं साहब। जितनी जल्दी हो सके उनका सफाया कर दीजिए साहब। रामलाल, रामलाल, बाबूजी, 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 बाय। तेरी आंख के धधकते अंगारे बता रहे हैं तू रुकने वाला नहीं है, भागेगा। पर ये गलती मत करना, क्योंकि मैं फिर से कानून का रखवाला बन गया हूं। अगर कहीं बाहर मिल गया ना, तो तेरी मौत की डेट फिक्स कर दूंगा, समझ गया ना? साहब, मंगरू रोज रात को भट्टी से दारू पीकर आता है और मार मार के मेरा शरीर सुझा दिया है। शरीर सुझा दिया है? क्या रे, थाने को मच रहा है? हाँ? कमर में हाथ डाल के चेक कर रहा है? ये काम तेरा नहीं है, ये काम डॉक्टर का है। तेरा काम है रिपोर्ट लिखना। नाम क्या है तुम्हारा? मीना। पांडे। यस सर। रिपोर्ट लिखो। जी सर। सॉरी सर, गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुन, नाम अभी भी वक्त, सुधर जा। तुम्हारे पति का नाम? वरना वर्दी क्या, दुनिया से उठने में भी तुझे टाइम नहीं लगेगा। रोज दारू पीता है? हाँ। इंस्पेक्टर गोविंदा। जय हिंद सर। अरे सर, आप अचानक? हाँ, ऐसे ही कुछ जरूरी बात थी, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। जेलर गौतम सिंह जेल से फरार हो गया। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम ही उसे काबू में कर सकते हो, नहीं तो वो कानून अपने हाथ में ले लेगा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था सर। अब आपका साथ मिल गया तो समझो मुजरिम के पैर और हाथ कट गए। बाद में फोन करता हूं। ओहो, रिहा हो गए? काल को कोई गुलाम नहीं बना सकता बलवंत सिंह। अच्छा, तो तू मुझे गिरफ्तार करने आया है? के हाथ में सरकारी नहीं, कांच की चूड़ी जचती है। फटे तो फटे, लेकिन पावर ना घटे। इतने दिन जेल में रहने के बाद भी तेरे अंदर की गर्मी कम नहीं। गर्मी तो अभी चढ़ना शुरू हुई है बलवंत सिंह। खैर,
कमिश्नर साहब, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की ड्यूटी में मुझे लगाए, कारण कि तुझे और तेरे परिवार को जान का खतरा है। ए, दुनिया में कोई भी मां ने ऐसे मर्द को पैदा नहीं किया है जो बलवंत को मार सके, हैं? वो मर्द तुम्हारे सामने खड़ा है बलवंत सिंह, चाहूं तो अभी तुझे ठोक दूं, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हूं। लेकिन वो आजाद है। कौन है वो? जेलर शक्ति सिंह। वो जेल से फरार हो चुका है और उसके टारगेट में सिर्फ तुम लोग हो। वैसे तेरे परिवार वाले सब घर में ही है ना? अरे बजरंगी चाचा कहीं बाहर गए हुए हैं। तब तो उसका कल्याण हो गया। क्या बदौर, कैसा लगा अपने भाई की लाश देखकर? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देख कैसे मैं तेरी बर्बादी की कहानी लिखता हूं। टाइम दिया था ना मुझे कि बचा सकता है तो अपनी बीवी को बचा ले, अब मैं तुझे टाइम देता हूं, बचा सकता है तो अपना गोदाम बचा। क्या हुआ बलवंत सिंह, किसका फोन था? जेलर का फोन था, कह रहा था कि गोदाम भी जला दूंगा। वैसे तुम्हारा गोदाम कहाँ है? जान के क्या करेगा तू, तेरा जानना जरूरी नहीं है। मुझे सब पता है बलवंत सिंह कि तुम्हारे गोदाम में एक नंबर का माल कम और दो नंबर का माल ज्यादा होता है। फिर भी डोंट वरी, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने ईमानदारी को तलाक देके और बेईमानी से शादी कर ली। सुहागरात का खर्चा दे देना, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो शक्ति तुम्हारा गोदाम जला के और राख तुम्हारे मुंह में पोत देगा। फेंको शक्ति, अंदर ही है। अरे पागल, है मेरा गोदाम है, बड़ा बड़ा कीमती सामान रखा है, मैं बम फेंकू अंदर? अरे मैं कहता हूँ जान रहेगी तो 100 गोदाम और बन जाएंगे, और नहीं रहेगी तो क्या बचेगा, घंटा? अरे फेंको जल्दी, वो मरेगा तभी सब ठीक होगा, जल्दी फेंको। अरे ये यहीं फट गया तो साथ में मैं भी मर जाऊंगा, फेंको ना फेंको। अरे घबराओ मत, फूटने ही वाला है, चाबी भी निकाल दिया उसने, फेंको। एग्जाम जेलर की मौत के नाम चीयर्स। जेलर की मौत का जश्न तो हो गया, अब अपने बेटे की मौत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। ए, 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 मेरा बेटा मर जाएगा, ये मेरा छोटा बेटा है, ए रिवाला हटाने तो मर जाएगा। ए मेरा छोटा शक्ति, कानून को अपने हाथ में मत ले, छोड़ दे उसे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अच्छा वाह, अब इनकी सुरक्षा तुम करोगे? वाह, कानून तोड़ने वालों की सुरक्षा अब कानून करेगा। शक्ति,
जेलर क्या चाहिए जेलर, मेरा बेटा छोड़ दे, मर जाएगा वो। हाँ छोड़ दूंगा चल चल, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। एक काम कर, इंस्पेक्टर को बोल राजधारी के बेटे को गोली मारे। अरे ये क्या कह रहे हो? सोच क्या रहा है? बोल नहीं तो तेरे बेटे की खोपड़ी खोल दूंगा। मार देगा पिताजी, बचा लीजिए मुझे। बोल 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 बोल। पिताजी मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। शक्ति नहीं बचेगा, तेरे बाप को तेरी कोई चिंता ही नहीं है, अब तो तू गया। ए, सोच मत, मार दे, मार देगा मेरे बेटे को। मुझसे गद्दारी कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है? मेरे बेटे को गोली मारने के लिए कह रहा है? अरे क्या बोल रहा है मैं, गद्दारी? तू देश का गद्दार है? मार दे मार दे मार दे इसको, ये मार दे मेरे बेटे को, मार देगा नहीं तो सब पोल पट्टी खोल दूंगा मैं तेरी। तेरी औकात क्या, तू मेरी पोल पट्टी खोलेगा? क्या पोल पट्टी खोलेगा? अरे मेरी वजह से 3 दिन बाद विधायक बना। अरे तू मार देगा तो मार दे तेरी वजह से। अरे तेरी ये जो हवेली खड़ी है ना, ये सब मेरी दौलत की देन है, मेरी कमाई है। जितने टेंडर खोले हैं, जितनी ये दादागिरी करता है, सब मेरे दम पर करता है। अरे तेरे जैसे 25 विधायक मेरे आगे पीछे घूमते। अरे मार दे उसको, नहीं तो मेरे बेटे को गोली मार देगा। अरे चुप रहो, तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अब अगर 5 गिनने तक ये इंस्पेक्टर राजधारी के बेटे को गोली नहीं मारता तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। शक्ति तू अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। जब तेरे बाप को तेरी चिंता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? एक, दो, तीन। नहीं नहीं शक्ति रुक रे, मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। चल। ए इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे हाथ ला इधर। बेटा बेटा ये सब क्या हो गया? बेटा बेटा मार दिया इसने तेरे को। ये सब कानून मानून और गुंडागर्दी के चक्कर में मेरा बेटा मारा गया। मार दिया मेरे बेटे को। पिताजी मुझे बचा लीजिए। देख देख मार दिया मैंने। मार दिया ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब छोड़ दे मेरे बेटे को। चुप का था उसको तो मार दिया, अब तू अपने आप को गोली मार ले। ए ए जलन रोक। ए शक्ति जलन मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहा है? आगे मत बढ़ना। ए ए बेटा ए बेटा बेटा, अरे कुछ नहीं होगा रे, अरे 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 कुछ नहीं होगा रे, अरे कुछ नहीं। ये जेलर! शक्ति आओ जल्दी बैठो, जल्दी करो। पायल तुम इस मुसीबत में क्यों पड़ी? मुसीबत नहीं, ये मेरा मकसद है। जब तक उस बलवंत का अंत नहीं हो जाता तब तक मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है तुम उस पापी का जरूर अंत करोगे, इसलिए तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंत तो मैं उसका करूंगा, लेकिन उसको उस दर्द का एहसास दिलाने के बाद जो दर्द उसने मुझे दिया। ए नेता, तेरी कुर्सी उल्टे या पलटे, वो शक्ति चाहिए मुझे, जिंदा या मुर्दा, पर चाहिए मुझे। शांत शांत शांत, उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए ना मेरा मन भी जो है ना एकदम व्याकुल है। बस थोड़ा तुम सब्र करो, उसकी मौत का जनाजा जो है ना आतंकवादी संगठन निकालेगा और हम लोग उसकी चिता में आग लगाएंगे। बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मुझसे बड़ा देशद्रोही और कौन होगा सरकार? अबे सुन रे बरसाती मेंढक, जब सब कुछ तबाह हो गया तब तू ऊपर आ गया,
इसमें मेरी क्या गलती है? सब आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने मुझे याद ही नहीं किया। ए! ज्यादा भगवान बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो हलक से जुबान निकाल करके ना यही गाड़ दूंगा, समझा? सरकार, इस समय मैं भगवान से कम नहीं हूँ आप लोगों के लिए। वो इसलिए कि सबसे बड़ा जो दुश्मन, अरे जो गौतम सिंह है ना, वो मेरे कब्जे में है। कहाँ है वो? अब कहाँ है ये बात छोड़िए, उसको पकड़ने में बहुत मेहनत लगी है मुझे। उसको मैं आपके हवाले कर देता हूँ। अगर उसको सरकार को देता ना तो 100 ग्राम का तमगा है लटका देती सरकार। अब बताइए, इस महंगाई में मैं वो तमगा लेके क्या करूंगा? अबे चुप रह, सिर्फ इतना बताओ कि तेरा पेट कितने में भरेगा? 50 लाख में। फटे तो फटे लेकिन पावर ना घटे। ए दरोगा जी, सरकार जितना चाव तेरे दाम में है ना, उतना ही ताव अपने काम में दिखा जी। और उस शक्ति को ले जाके राजधारी के फार्म हाउस में बांध के रख, वहीं उसका हम क्रियाकर्म करेंगे। जा। शक्ति सिंह, क्या लगा तुझे कि तू मुझे और नेता को आपस में लड़ा करके मरवा देगा? ए जेलर, बापू के देश में चोर के भेष में जेलर तेरी सब कहानी खत्म। अरे तेरे खून से जो है ना, अपने बच्चों का हम लोग पिंडदान करेंगे। अब एक एक अंग काट काट के फेंकेंगे तेरा। बहुत तकलीफ दिया रे तूने हम लोगों को। तकलीफ हुई अब तुम लोगों को? कितने मासूमों और बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया तुम लोगों ने, और अब जब तुम्हारे अपनों की मौत हुई तो तकलीफ होने लगी। ए! बंद कर अपनी ये जुबान, नहीं तो गोली मार दूंगा तुझे। ए! रुको, अगर एक भी जगह से हिला ना तो इसको दुनिया से हिला दूंगा। जिंदा लकड़ी मुर्दा लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये इंस्पेक्टर, तू मेरे भाई को मार करके प्रवचन दे रहा है मुझे? टेंशन मत लो, तुम लोगों को मार के जोगीरा गाऊंगा, वही सुनाने के लिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं। होली का गाना रे, फागुन का। अब मिटेगा इनका नामो निशान। नामो निशान तो तुम लोगों का मिटेगा आज बेटा। अगर तुम लोगों ने कानून की किताब पढ़ी है ना, तो मैंने भी कोई राजनीति में ना घास नहीं छीली है। अब तुम देखो राजनीति और कूटनीति का कमाल क्या होता है। ए विशाल, ले आ, जल्दी आओ। मां, ए छोड़ मेरी मां को। अरे छोड़ो इसे। ए अब देख तमाशा, देख। ए डाल अंदर, अंदर डाल ले जाके। मां, बेटा, मां। अरे वाह। ए, कानून से दोस्ती बहुत निभा लिए तुम लोग, अब कानून से दुश्मनी निभाओगे। तुम दोनों आपस में साठ गांठ करके मेरे भाई को मार दिए, मेरे बेटे को मार दिए, अब तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे। हथकड़ी पहनाने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, तो आज
मैं तुम दोनों को हथकड़ी पहनाऊंगा। तमाशा देखेगी पूरी दुनिया। चलो अब तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को मारते रहोगे तब तक तुम्हारी माँ और प्रेमिका जिंदा रहेगी। इधर तुम लोगों के हाथ रुके, उधर उन दोनों की सांस रुकी। मार मार, अरे मार। अरे चल रे, जहरीला गैस चालू कर। विजय, विजय, विजय। मार विजय, मार विजय। विजय मार, मुझे मार विजय। अरे चल जल्दी मार, मार मार मार, कह रहा हूँ मार मुझे। अबे खोल माँ को। मार मार मुझे विजय, मार मार। चल मार, चल मार मुझे, मार विजय। अबे खोल उनको। अरे और जोर से मारना। अब तो खोल उनको। विजय मार, विजय पायल। अरे मार, पायल। माँ, माँ, उठो, उठो, उठो पायल। माँ, माँ, बेटा, तू डर गया ना? जाओ, हैंड्स अप, गौतम, गोविंदा, छोड़ दो इन लोगों को। अरे अच्छा हुआ कमिश्नर तुम यहाँ आ गए, वरना ये दोनों तो हमको जान से मार देते। हाँ कमिश्नर साहब, हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये दोनों हमें जान से मार देंगे साहब, हमें बचा लीजिए। मुझे सब कुछ पता है कि गौतम सिंह जेल से फरार मुजरिम है और इंस्पेक्टर गोविंदा उनका साथ दे रहा है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, आज के बाद तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो, और इन दोनों को तो मैं देख लूंगा। थैंक यू कमिश्नर, जाओ। अरे कमिश्नर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप?
अरे सर बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसे मुजरिमों के लिए नो हथकड़ी, ओनली एनकाउंटर। लीजिए। शूट देम। फटे तो फटे। अरे मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? अरे माँ, तेरा दूसरा बेटा भी है यहाँ पे। अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आज से मैं दो दो बेटे की माँ हो गई। सुनो, इस हथकड़ी को आज से तुम लोग छोड़ो, छोड़ो, फेंको इसे। तू भी फेंक दे, फेंक। ये हथकड़ी तो फेंकवा दिया माँ, पर विजय और पायल के हाथ में तो हथकड़ी पहनानी पड़ेगी माँ। तुम लोग भी जाओ, शादी ब्याह करो, मेरा जुगाड़ तो हो गया।